प्रदेश के ऊपरी शिमला में बारिश ने इस कदर कहर मचाया कि कई स्थानों पर रिहायशी मकान ढह गए तो दर्जनों लोगों के मकान मोटी मोटी दरारों से भर गए हैं। तो वहीं बागवानों को आफत की इस बारिश ने कंगाल कर दिया है। भूस्खलन ने ऊपरी शिमला के सेब बहुल क्षेत्र में सेब के पूरे बगीचे ही तबाह कर दिए। तस्वीरों में देखे कैसे सेब की तैयार फसल के साथ सैकड़ों बीघा बाग बगीचे उजड़ गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का आरोप है कि नुकसान के आकलन और फौरी राहत आवंटन के लिए संबंधित सरकारी तंत्र की ओर से कोई प्रयास नहीं हुए हैं। ऐसे में लोग हताश और निराश हैं। मैं जय सिंह, फादर नेम श्री माड़ूराम जी, ये जमीन हमें ठाकुर रामलाल जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब दी गई, औरों को भी दी। उसके बाद आज तक ये 3 बार स्लाइड हो चुकी है और कभी भी कोई भी शासन प्रशासन यहाँ पे नहीं आया, कभी भी हमारे को कोई सहायता नहीं मिली। आज हमारे पास ये 250 पौधा बड़ी मेहनत करके मैंने लगाया था, सारी पूंजी मैंने अपनी इसमें लगाई थी, लेकिन ये अभी भी ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कोई नहीं आया, ना कोई पटवारी आए, ना कोई कानगो आए, कोई भी यहाँ पर नहीं आया। आप बताइए हम कहाँ जाएँ। मेरी डीसी शिमला से मांग रहेगी कि मुझे इसका तबादला दिया जाए। सर, मैं गोपाल सिंह, पुत्र श्री चेतराम, ग्राम तलार, डागर शाहदार, हिमाचल प्रदेश से का स्थायी निवासी हूँ। मेरे पास यहाँ कम से कम 250-300 पेटी थी और जो सारे फ्लड में चले गई, और यहाँ एक कौशेड था, एक वाटर टैंक बनाया था जो सारे मोहल्ले में दब गया, और हमारे पास अब कोई जीने का साधन नहीं है सर, और प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया, जबकि पटवार गनगो को मैंने बोला और यहाँ तक नहीं आए। उनको बोले तो मैंने वो बोल रहे कि हम देख के चले गए, हमारा तो कोई। सर, मैं रूप सिंह, एक्स वाइस प्रधान ग्राम पंचायत शाहदार। हमारे एरिया में इतना नुकसान हुआ कि बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास इतनी ज़मीन थी 3 एक बीघा सारी चला गई। इसमें ना शासन ना प्रशासन कोई खड़ा नहीं हो रहा है इस टाइम हमारे पास, ना कोई पूछ रहा है बैठ के क्या कर रहे हैं, जबकि तहसीलदार, एसडीएम, कानगो, कोई पंचायत प्रतिनिधि, कोई पटवारी, सबको आना चाहिए था मौके पर। आज हमारे को कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये एक ऐसी का गांव है इसलिए शायद दरकिनार कर रहे हैं। आज तक हमारा कोई नहीं, जितनी भी ज़मीन थी हमारी सारी फ्लड में चला गई। हमारे पास एक ही साधन यही था कि हमारे पास बाकी कोई चारा ही नहीं है। अगर हम आगे क्या खाएंगे, क्या करेंगे, हम हमारी तो स्थिति नाजुक हो गई, मकान खत्म हो गए, ज़मीनें खत्म हो गई, जितनी ज़मीन थी सारी बह गई। पंजाब कैसेट टीवी के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।